गुड मॉर्निंग क्लास श्री देवी चौधरी महाविद्यालय से। आज मैं आपके सामने बी फाइनल का जो आपका पहला पेपर है आपका साइकोलॉजिकल मेजरमेंट एंड रिसर्च, ठीक है। तो उसमें आज हम एक नया टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, वो है आपका क्वेश्चन आयर मेथड यानी कि प्रश्नावली विधि। जैसे कि आप फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर की क्लास में हैं तो आप लोगों ने क्वेश्चन आयर मेथड को सभी लोगों ने अपने अपनी लाइफ में यूज किया होगा, ठीक है। तो सभी को पता है कि क्वेश्चन आयर मेथड क्या होती है, ठीक है। तो क्वेश्चन आयर मेथड का सिंपल सा फॉर्मेट ये होता है कि जो भी टॉपिक पे हम रिसर्च करना चाहते हैं, जिन जिन भी विषय से रिलेटेड, जो भी चीज़ों से रिलेटेड हम जानना चाहते हैं कि हमारे आसपास उस टॉपिक से जुड़ा क्या डेटा मौजूद है, तो हमें क्या करना होता है, हमें कुछ मेथड यूज करनी होती है। और अगर हम प्रश्नावली विधि यूज कर रहे हैं यानी क्वेश्चन आयर मेथड, तो उसमें जो क्वेश्चन है वो लिखित रूप में होती है। जैसे हमने आपको इंटरव्यू मेथड बताया था तो उसमें जो क्वेश्चन होते हैं वो ओरली पूछते हैं, ठीक है, मौखिक रूप से, तो उसमें तुरंत आंसर मिल जाते हैं, ठीक है। इसमें लेकिन क्वेश्चन लिखित रूप में होते हैं और उसके आंसर पर हमें लेने होते हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करें आपका प्रश्नावली विधि की, ठीक है, तो प्रश्नावली विधि को क्वेश्चन आयर मेथड कहते हैं, जिसमें क्वेश्चन के रूप में पेपर डेवलप होता है, उसी पेपर की जो टेस्टिंग है वो बार बार की जाती है। जब कोई भी टेस्ट पेपर, जो साइकोलॉजिकल टेस्ट पेपर होता है, चाहे वो किसी भी टॉपिक से जुड़ा हो, पर्सनालिटी, इमोशन या कोई भी, तो वो जब बिल्कुल फुल्ली रूप में जांच लिया जाता है और उसकी रिलायबिलिटी, वैलिडिटी, सारी चीज़ें बिल्कुल आती हैं, हर एक नॉर्म्स को वो फॉलो करता है, स्टैंडर्ड फॉर्मेट से रिजल्ट देता है और रिजल्ट को कभी भी किसी टाइम पे कहीं पे भी चेक करने पर कोई भी एरर नहीं आती है, तब ही वो टेस्ट या क्वेश्चन पेपर, वो क्वेश्चन आयर मेथड हम लोग अप्लाई करते हैं, तभी वो हमारे पास आ पाती है, ठीक है। तो इसमें अगर हम बात करेंगे रेगुलेशन की, तो यंग का कहना है 1966 में कि जो भी प्रश्न लिखित रूप में पूछे जाते हैं और लिखित रूप में हमें उनके उत्तर देने होते हैं, तो वो आपका प्रश्नावली में विधि है। सेकेंड है रोजर के अकॉर्डिंग, उनका कहना है कि प्रश्नावली विधि में जो भी हमारे प्रश्न है, जो हमारा टॉपिक है, वो लिखित रूप में होता है, मौखिक रूप में नहीं होता है, ठीक है। थर्ड है लहौदा के अकॉर्डिंग, तो इनका कहना है कि जो भी आपका, जो भी, जब भी हम रिसर्च करते हैं अनुसंधान में, प्रश्नावली विधि मतलब एक अच्छी विधि है, क्योंकि इसका डाटा हम बहुत लंबे समय तक, यानी कि इसके प्रदत्तों को हम लंबे समय तक सुरक्षित करके रख सकते हैं, ठीक है। लास्ट है आपकी ब्राउन हिस्ट्री के अकॉर्डिंग, इनका कहना है कि जब भी हम साइकोलॉजिकल मेजरमेंट करते हैं तो उसमें हम जो टेस्ट यूज करते हैं वो लिखित रूप में होते हैं, इसलिए उसका डाटा हम लंबे समय तक सेव करके रख सकते हैं। अगर हमें भविष्य में कभी उसको डिफाइन भी करना पड़े तो हमारे लिए इतना मुश्किल नहीं होता है। अब बात करते हैं विशेषताओं की, ठीक है। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अगर कोई टेस्ट लिखित रिटन फॉर्म में अगर टेस्ट है तो यानी कि वो राइटिंग वर्क है, ठीक है। और अगर राइटिंग वर्क होगा तो इसका मतलब सिंपल सा ये है कि उसके कुछ यूजेस भी होंगे, विशेषताएं भी होंगी और कुछ दोष भी होंगे, तो हम दोनों ही को ही लेके चलते हैं, ठीक है। तो अगर कोई विशेषताएं जो हमारी हैं, अगर वो चीज़ें अच्छे फॉर्म में जा रही है तो ऑब्वियस है वो हमारे लिए फायदे रहेगी, ठीक है। और इसके बाद हमारा अगर नहीं है तो दोष में जाएगी, ठीक है। तो हम लोग, ठीक है, तो आपका जब हम विशेषताओं की बात करें तो पहला हम बात करते हैं आपका क्या बोलते हैं लिखित प्रश्नों की, ठीक है। तो इसमें आपका पहला जो है, आपका पहला पॉइंट है आपका लिखित प्रश्न, ठीक है। जब भी हम लोग प्रश्नावली विधि का बात करते हैं तो आपको ये बात बहुत अच्छे से पता है कि जो प्रश्नावली विधि होती है उसमें टेस्ट पेपर के फॉर्म में आपका जो टॉपिक है उससे रिलेटेड आइटम्स होते हैं और आपको उनको भर के देना होता है, ठीक है। सेकेंड है आपका वस्तुनिष्ठ विधि, ठीक है। वस्तुनिष्ठ तो आप जानते ही हैं कि जो उसमें क्वेश्चन है वो रिलायबल है, वैलिड है और नॉर्म्स को फॉलो करके स्टैंडर्ड प्रोसीजर यूज किया है उन्होंने, तो वो टेस्ट तो बिल्कुल सही है, ठीक है। अब आप उस टेस्ट को यूज करके अपने वो जो डेटा है उसको इकट्ठा कीजिए, क्योंकि उसमें कोई वाइजनेस नहीं बची, ना किसी कल्चर की उसके अकॉर्डिंग उसमें कोई वाइजनेस होगी, ना किसी धर्म जाति के अनुसार, किसी भी रूप में वाइजनेस नहीं होगी। तो फायदा ये होगा कि वस्तुनिष्ठ रिजल्ट यानी कि ऑब्जेक्टिव रिजल्ट निकल के आएंगे। जैसा कि जैसे हम किसी पर्सन के इमोशन चेक कर रहे हैं तो जैसा वो पर्सन अंदर से इमोशन महसूस कर रहा होता है, उन इमोशन को जब वैसे ही उसी फॉर्म में जब वो एक तरीके से बता हम उस स्ट्रेस से निकालते हैं कि इसकी मानसिक स्थिति में इसके इमोशन इस फॉर्म में रिलीज हो रहे हैं, तो इसका मतलब समझ जाए कि रिजल्ट कैसा है, वस्तु ने
यानी कि जो मस्तिष्क में चल रहा था इस इट इस वैसे के वैसा उन्होंने उस टेस्ट पेपर में डाटा के रूप में दे दिया, प्रेजेंट कर दिया। तो ये बहुत अच्छी बात है, है ना, कि अगर वस्तुनिष्ठ रिजल्ट आता है तो आपकी रिजल्ट जो है वो लंबे समय तक यूज होती है। अगला है वैध परिणाम। तो जब हम लोग ऑथेंटिक टेस्ट पेपर यूज करते हैं, बिल्कुल रिलायबल और वैलिड टेस्ट पेपर यूज करते हैं, तो इसका मतलब क्या होता है कि हमारा परिणाम भी बिल्कुल वैध आता है। ठीक है, नेक्स्ट है प्रयोगशाला में प्रयोग। तो ये भी इम्पोर्टेंट है कि जैसे आप सभी जानते हैं कि इस जो अपन का क्या बोलते हैं प्रश्नावली विधि, उसको हम लैब में ही करते हैं। ठीक है, वैसे तो डाक के द्वारा ही भरवा सकते हैं, लेकिन लैब में करेंगे तो एक साथ एक समय बहुत सारे लोगों का डाटा हम एक साथ ले सकते हैं, तो ये फायदे हैं हमारे। ठीक है, तो आपका प्रयोगशाला में भी प्रयोग कर सकते हैं, और हम चाहें तो प्रश्नावली विधि को डाक के द्वारा, अगर मान लो मैं अलग अलग एरिया के लोगों का लेना हो, अलग अलग शहरों के, तो हम क्या करते हैं पोस्ट से उस क्वेश्चन पेपर को सेंड करवा देते हैं, और फिर हम उसको फिल कर करके अपना पोस्ट से ही वापस, मतलब इसमें भागने की जरूरत नहीं पड़ती है, ना खर्चा होता है। ठीक है, तो ये अच्छी बात है। ये भी दूसरी मेथड भी है कि अपन डाक का यूज भी कर सकते हैं, ऑनलाइन आजकल चल चुका है, तो ये अब सॉफ्टवेयर फॉर्म में है तो ये ज़्यादा अच्छे से काम करता है। नेक्स्ट है स्पष्ट भाषा। ठीक है, तो आपका जो टेस्ट पेपर है उसकी अगर भाषा स्पष्ट है तो यानी कि मान के चलिए उसके रिजल्ट भी ऑथेंटिक आएंगे। क्यों? क्योंकि उसमें मिलावट कहीं हुई नहीं है, जो भी टेस्ट है जो उसमें क्वेश्चन है वो सारे बिल्कुल क्लियर फॉर्म में डिफाइन हो रहे हैं। ठीक है, अब अगला आता है भविष्य में जाँच। ठीक है, तो अगर कोई भी क्वेश्चन पेपर का जो मटेरियल आपने इकट्ठा किया है, जो मटेरियल आपने लिया है, अगर आपको भविष्य में कभी उसकी जांच भी करनी पड़े, अगर कोई भी आपकी रिसर्च में क्वेश्चन क्रिएट करे कि आपका ये टॉपिक मतलब ये जो रिजल्ट है वो सही नहीं है, तो हम उन्हें अपना पूरा डाटा दे सकते हैं कि आप देख लीजिए इस डाटा से, इस डाटा का रिजल्ट और उसी मेथड से आप रिजल्ट निकाल लीजिए, आपका डाटा ये है। तो हमारे पास प्रूफ होते हैं, प्रमाण हम रख के चलते हैं। अब बात करते हैं प्रकारों की, कितने प्रकार की प्रश्नावली विधियाँ होती हैं। जैसा कि हमने आपको बताया था कि जब हम लोग जैसा कि हम आपको बता ही चुके हैं आपका साक्षात्कार विधि में और आपकी प्रश्नावली विधि में ज्यादा फर्क नहीं होता है, केवल लिखित और मौखिक का फर्क होता है। ठीक है, तो ये है कि आपका इसमें प्रकार की बात करें तो सेम प्रकार ही है, चाहे हम क्वेश्चन ओरली पूछे या मोरली, आपके दोनों ही फॉर्मेट एक ही चीज को लेकर फॉलो करते हैं। ठीक है, तो इसका टाइप दोनों के ही सेम है। इसमें जैसे मान लीजिए उसका भी यही थे संरचित असंरचित और असंरचित, ऐसे इसकी भी टाइप है कि क्वेश्चन का जो फॉर्मेट होता है वो दो फॉर्म में होता है। आपका या तो आप क्वेश्चन क्लोज एंडेड लेंगे, यानी कि आपका वो एक तरीके से उनका एंड निश्चित आपने कर दिया, उसकी सीमा एक निश्चित होती है। ठीक है, वो क्लोज एंडेड कहलाती है। इसका मतलब है कि आपके पास हमने कुछ विकल्प दिए हैं, आप उन्हीं विकल्पों में से चुन करके हमारे सवाल का जवाब दीजिए, तो इसका मतलब है कि वो संरचित विधि कहलाती है, यानी कि स्ट्रक्चर मेथड। आपने उस क्वेश्चन का स्ट्रक्चर पहले ही क्रिएट कर दिया, बना दिया कि आपको इतने ही स्ट्रक्चर में क्वेश्चन देना है। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, तो संरचित अगर प्रश्नावली की हम बात करते हैं तो इसमें जितने भी क्वेश्चन होते हैं वो सारे क्वेश्चन क्लोज एंडेड होते हैं। ठीक है, तो अगर आपके पास या तो दो विकल्प होंगे यस और नो का, या फिर आपके पास पांच विकल्प होंगे जिसमें आप लोग बहुत अधिक से बिल्कुल भी नहीं, पर आप लोग पांच ऑप्शन में क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो ये होता है आपका संरचित। अब आते हैं असंरचित में। आप भी जानते हैं ये बात कि हर एक सवाल का जवाब केवल क्लोज एंडेड में नहीं दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि उससे हमारी सिचुएशन डिफाइन नहीं होती है। तो अगर हमें अपनी सिचुएशन डिफाइन करनी है तो हमें क्या करना होगा, हमें असंरचित प्रश्नावली का यूज करना होगा। इसका मतलब होता है कि जो भी क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चन हम लोग असंरचित यानी कि आपका अनस्ट्रक्चर्ड रूप में लेते हैं। ठीक है, अगला है आपका तो अनस्ट्रक्चर्ड में आपको पता चल गया कि जो भी क्वेश्चन हम पूछते हैं तो वो सामने वाला फ्री होता है आंसर देने के लिए, वो चाहे तो एक लाइन में, दो लाइन में, दस या बीस, जितने भी लाइन में देना चाहे दे सकता है। तो अगला है अर्थ संचरित। तो अब ऐसा आप तो जानते ही हैं कि हम हर एक टेस्ट पेपर हो, क्वेश्चन पेपर हो या इंटरव्यू मेथड हो, हम केवल और केवल संरचित विधि भी यूज नहीं कर सकते और ना ही केवल असंरचित। तो हम दोनों का कॉम्बो ले लूँ तो वो ज़्यादा सही है। कुछ क्वेश्चन ऐसे लेंगे जिसमें आपको जरूरत ही नहीं है डिफाइन करने की सिचुएशन, केवल आप तो उसमें फैक्ट बताइए, ठीक है, ये है भी कि नहीं है तो वो बताइए। और अगर दूसरा, अगर फैक्ट से रिलेटेड कुछ और भी चीजें हैं जो आपके एक्सपीरियंस को डिफाइन करती हैं तो वो आपकी असंरचित में होती है। तो दोनों का कॉम्बो अर्धसंरचित प्रश्नावली कहलाता है। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करते हैं आपका दोष। ठीक है, तो प्रश्नावली विधि के दोष क्या क्या है। तो प्रश्नावली के दोषों की अगर हम बात करते हैं
रहती है, कंट्रोल्ड रहती है सिचुएशन। तो यानी कि आपको डायरेक्शन आपकी बिल्कुल कंट्रोल है, अब आप नहीं समझ पा रहे हैं, मतलब एक तरह से आपको पता है कि आपके आसपास सिचुएशन कंट्रोल है और आपको उसी के अकॉर्डिंग उसी लिमिट में रहकर क्वेश्चन पेपर को क्लियर करना है, ठीक है। तो ये भी है। थर्ड है सचेत व्यक्ति। तो आप जानते ही हैं कि प्रश्नों को पढ़ वही पढ़ेगा जो पढ़ा लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पे एजुकेटेड लोगों से ही हम लोग टेस्ट पेपर भरवा सकते हैं। अगर हम लोग अनएजुकेटेड लोग ले रहे हैं तो हम डाटा इकट्ठा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि फिर हमें उनकी हेल्प करनी पड़ेगी और उससे उनको हेल्प मिल जाएगी या फिर वो समझ जाएंगे या फिर उनको चीज़ें मतलब बाइस फॉर्म में आएंगी सीधी सी बात। तो यहाँ पे ये इसकी कमी है कि शिक्षित व्यक्ति इसको कर सकते हैं, अशिक्षित नहीं। इसीलिए इंटरव्यू मेथड भी डेवलप होती है ताकि अगर अशिक्षित व्यक्ति है तो वो आपका कोई भी क्वेश्चन है वो सुन करके आपको जवाब दे पाए। नेक्स्ट है अस्पष्ट भाषा। तो ये भी दोष है अगर आपने क्वेश्चन का फॉर्मेट की जो लैंग्वेज है आपको तो ईजी लग रही है, लेकिन हो सकता है सामने वाले को शब्द का मीनिंग ही ना पता हो, ठीक है। तो मीनिंग भी इम्पोर्टेंट है, अगर मीनिंग उसको क्लियर नहीं होगा तो वो विधि उसको बिल्कुल भी समझ में या जो आप टेस्ट पेपर करवाना चाहते हैं वो क्लियर नहीं कर पाएंगे। ओके, इसमें अगर कोई डाउट है तो बताइएगा। थैंक यू।